व्हाट्सएप पे लड़की ने ब्लॉक कर दिया है तो कैसे अनब्लॉक कराएं और उनके साथ आगे बातचीत करें। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रिश्ते की शुरुआत होती है आंखों से, फिर वही रिश्ता गहरा होता है चैटिंग से, और चैटिंग होती है सारी व्हाट्सएप पे। लेकिन कई बार ऐसा हम कुछ बोल देते हैं, कुछ हो जाता है जिसकी वजह से सामने वाली लड़की हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देती है। अब उनसे अनब्लॉक कैसे करें, कैसे उस रिश्ते में आगे बातचीत करें? सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा समझिए कि अगर लड़की ने आपको ब्लॉक किया है तो उसका कोई रीज़न होगा। अब रीज़न क्या है ये आपको समझना है। हम कई बार क्या समझते हैं, रीज़न ढूंढते तब हम समझते हैं कि सामने वाले की गलती है। यही रीज़न है, हमारी भी गलती हो सकती है, हमें देखना चाहिए। कोई हमसे परेशान होके ही ब्लॉक करता है तो पहले तो ये प्रॉब्लम को समझिए। अब ये समझिए कि क्या लड़की हमें लाइक करती है या नहीं। हाँ, लाइक ही नहीं करती और उसने ब्लॉक किया है तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो लाइक कर रहे लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये सिनारियो है। दूसरा सिनारियो है कि लड़की लाइक करने पर भी ब्लॉक क्यों करती है। क्योंकि कई बार हम ना बोलने जैसा बोलने लगते हैं। कुछ ऐसा कहना था हमें जो हमें नहीं कहना चाहिए, वो हमने कह दिया, जिसकी वजह से उनको बुरा लगा और उन्होंने ब्लॉक किया। हो सकता है कि लड़की आपसे ज़्यादा क्लोज आना ना चाहती हो। हाँ, सिर्फ देखा, हंसे, काम तक ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, एक ये कारण हो सकता है कि आप दोनों स्टडी कर रहे, कोई प्रोजेक्ट में बिजी है, तो वो उनकी स्टडी ख़राब ना हो, प्रोजेक्ट ख़राब ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है। अपने प्यार को टेस्ट कर रहे हो, ये भी एक रीज़न हो। कई अलग अलग प्रकार के रीज़न हो सकते हैं। आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ये कई रिलेशनशिप में देखा जाता है, तो ये कॉमन कारण कहा जा सकता है। हाँ, ये एक ऐसा भी है, जैसे हम छोटे बच्चे थे और कटी करते थे, तो ये हो सकता है कि उन्होंने आपसे कटी की हो, वो नाराज़ हो गए हो थोड़े। हाँ, वो चाहते तो है आपको अनब्लॉक करना, लेकिन सिर्फ नाराज़गी जताने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चलिए, ये सब तो रीज़न्स की हमने बात की, सब पता चला, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए? पहला सॉल्यूशन, पहले चेक करें कि ब्लॉक किया भी है या ऐसे ही आप टेंशन लिए जा रहे हैं। अभी आप चेक कैसे करेंगे? आप चेक करेंगे बातचीत के थ्रू, कोई काम का बहाना बना के उनका फ़ोन मार कर, या कुछ भी ऐसा वैसा करके आपको चेक तो करना ही होगा, वरना आप खामखा टेंशन लेके कुछ और ही सोच रहे हैं। दूसरा सॉल्यूशन है, आपको एक दो दिन के लिए वेट करना है, शांति रखनी है। क्यों शांति रखनी है? हो सकता है वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर दे, उनको एहसास हो जाए कि नहीं, मुझे इतना बड़ा कुछ नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ब्लॉक किया और आप तुरंत कुछ नहीं करते तो उनको ये एहसास होना ही होना है। तो ये एक सॉल्यूशन भी आप आजमा सकते हैं, बहुत ही कारगर सॉल्यूशन कहा जा सकता है। तीसरा सॉल्यूशन है, उसकी बेस्ट फ्रेंड से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड से कांटेक्ट करके आप उनको कह सकते हैं कि ऐसा वैसा हुआ है, आप कोशिश कीजिए कि वो मुझे अनब्लॉक कर दे, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके काम आ जाए। अब देखिए, ये सॉल्यूशन है, ये कुछ प्रॉब्लम भी हमने जाने। आपको जब भी ऐसा कुछ हो तब अपने ईगो को साइड में रखना है। हम ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं कि ब्लॉक करें तो सामने से मैं भी कुछ नहीं करने वाला, जाए तेल लेने, जो जाना है वहाँ जाना है वो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसे अच्छे रिश्ते नहीं बनते और ये अच्छे इंसान की भी निशानी नहीं है। हमें ईगो को साइड में रख के सब कुछ आराम से हैंडल करना है, तब जाके व्हाट्सएप पे आप अच्छे से लड़की से बात कर सकेंगे और रिश्ता बना पाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कभी किसी लड़की ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है या नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी बी फ्रेंड, जहाँ मुझे हूँ लैला, जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।